सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया, परंतु समुद्र का भाव इतना तेज था कि मंदराचल पर्वत उसमें डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने लिया कूर्म अवतार एक कछुए के रूप में, ताकि मंदराचल उनकी पीठ पर टिक सके और आरंभ हो समुद्र मंथन। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे समुद्र मंथन के बारे में भी काशवी ने बताया, 14 के 14 रत्नों के बारे में भी मुझे काशवी ने बताया था। आप हमें बताओगे? समुद्र मंथन के 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। पहला, हलाहल विष, जिसे संसार को बचाने के लिए शिवजी ने अपने कंठ में धारण करा था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी बोलते हैं। दूसरा, कामधेनु गाय, जिसको एक दिव्य गाय माना जाता है। तीसरा, उच्चैश्रव घोड़ा, जो घोड़ों के राजा कहलाते हैं। चौथा, एरावत हाथी, जिन्हों को इंद्रदेव ने अपना वाहन बनाया था। पांचवा, कौस्तुभ मणि, जो श्री हरि जी को प्राप्त हुई थी। छठा, कल्प वृक्ष, जो इच्छा पूर्ति वृक्ष माना जाता है। सातवा, अप्सरा रंभा, जो संसार की सबसे सुंदर नारी मानी जाती है। आठवीं, माता लक्ष्मी, जिन्होंने समुद्र से निकलकर भगवान विष्णु को हार पहनाया था। नौवा, वारुणी मदिरा, जो दानवों ने धारण करी थी। दसवा, चंद्रमा। ग्यारवा, पारिजात के पुष्पों का वृक्ष। बारवा, पंचजायना शंख, जो विजय का प्रतीक माना जाता है। तेरवा, धन्वंतरी जी, जो विष्णु जी के अवतार है और अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। चौदवा, अमृत कलश, जिसके पीछे देवताओं और दानवों की झगड़ा हुआ था, परंतु अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान करवाकर उनको अमर कर दिया था।